न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़वानी जिले की दवाना में नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेघा पाटकर की अगुवाई में नफरत छोड़ो यात्रा ठिकरी से दवाना पहुंची। यात्रा गुरुवार रात्रि 10 बजे के लगभग पहुंची, जहां स्थानीय बस स्टैंड पर नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता सेंचुरी मिल के श्रमिकों सहित यात्रा में शामिल लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान मेघा पाटकर ने ठिकरी अंजड़ मार्ग पर इस जनसभा को संबोधित किया। यात्रा में सैकड़ों की तादाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता अपने हाथों में झंडा लेकर नारे लगाते हुए शामिल रहे। ठिकरी नगर से प्रारंभ हुई यह यात्रा 15 नवंबर को बड़वानी जिला मुख्यालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। यात्रा ठिकरी से प्रारंभ होकर लखनगांव, मंडवाड़ा, अंजड़ से गांव, सजवानी से जामदा बहसाहाट पिछोड़ी तक जाएगी, जिसके उपरांत बड़वानी झंडा चौक में सभा की जाएगी। नफरत छोड़ो संविधान बचाओ की यात्रा, ये एक यात्रा ही केवल नहीं, एक अभियान है और ये अभियान आज देश में जिले जिले में चल रहा है। वो यात्राएं 75 किलोमीटर की हर जिले की गांव और बस्ती तक पहुंचने की, किसान मजदूरों को ही नहीं पूरे समाज को ऐलान करने वाली यात्राएं हैं। इस यात्रा में ऐलान यही है कि संविधान ने जो इतने सारे अधिकार दिए हुए हैं, जीने का अधिकार, जीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, नशा मुक्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये सब अधिकार आज अर्थव्यवस्था बदलकर कंपनीकरण लागू करके वैश्विक पूंजी के आधार पर और विकास की गलत अवधारणा के साथ छीने जा रहे हैं। और इसीलिए इन अधिकारों को लड़ने वालों को ये जेल बंद करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन समाज में जाति और मजहब के नाम पर विभाजित करना एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अन्याय है। भारत के जंगा यम्बा यमुना की तहजीब का ये खत्म करना हमें मंजूर नहीं है। जो सिंधवा में हुआ, जो खरगोन में हुआ, इसकी साजिश हम देख रहे हैं कि आज भी जिन्होंने हिंदुओं के अंत्य संस्कार कोविड के समय किए, वो भी बच्चे जेल में कैसे रह सकते हैं, उनको क्यों नहीं जमानत देते हैं। माँ बाप त्रस्त है, क्यों ध्वस्त कर दिए बुलडोजर से, ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी, ये हमारा सवाल है। और जब अपराध साबित करते करते साल निकल जाते हैं, तब सालों तक जेल में रखना ये भी एक अपराध है। आज इसीलिए हम लोग देखिए मजदूर चल रहे हैं ऊपर बैठकर, किस प्रकार से हालत खराब है, पर फिर भी सेंचुरी के मिल वर्कर्स हो या छोटे छोटे फेरी वाले हो या खेत मजदूर हो, सभी को जो लड़ना पड़ रहा है वो लड़ाई को ये तोड़ना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भारत ये एकजुटता रहे, हिंसा खत्म हो जाए, जाति भेद, लिंग भेद, धर्म भेद, प्रांत और पंथ भेद का अंत हो जाए और हम शांति से रहे। हिंसा नहीं अहिंसा चाहिए हमें, हिंसा नहीं अहिंसा चाहिए, हिंसा नहीं अहिंसा चाहिए। इसलिए जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी हम सहन नहीं कर सकते हैं। ये यात्रा हाथ जोड़कर ऐलान कर रही है कि सभी समाज इसे समझे, नफरत छोड़ दे, इंसानियत बचाए, नफरत मिटाए और संविधान के हर अधिकार के लिए संघर्ष और निर्माण के लिए तैयार हो जाए।